रिमेंबर द नेम सिराज. अभी मैं लगा ही लेता जी. सिराज कैच राहुल बोल्ड सिराज. सिराज क्या? सिराज मोहम्मद सिराज. कहा था भाईजान शामी सिराज लाए और विकेट कमाए. तो ये होता है जनाब, ये हो गया प्रेशर. वापस गेम में वापसी शुरू. वो इट वाज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स. आपने शाहिनशाह ने लात पे वही कंटिन्यू रखा, प्रेशर हटवा दिया. क्योंकि 350 रन अभी भी नहीं, बहुत कम नहीं होते, बहुत ज्यादा रन हैं अभी. और वही इट वाज एग्जैक्ट वही हुआ जैसे इंडिया आया बस एक और राहुल गया, ये टी के बाद आए और सिबली गया. हाँ तो इंग्लैंड नीचे ही था इंडिया से. एक आधी विकेट अब मजीद और आएगी तो फिर आप खुद सोचें कितना प्रेशर. रूट अब आपने रूट आउट करना है. तो ऑब्वियसली स्टिल आज उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए. अभी भी इंडिया ऊपर है. उत्कर्ष अग्रवाल कहते हैं आई मीन कोहली इज 100 इन सेना कंट्रीज जनरली कम्स इन लूजिंग कॉज. स्टीव स्मिथ इज बाय फार द बेस्ट बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन. उत्कर्ष यस देखे दूसरी बॉल भी वहीं फेंकी है. क्या बला है यार ये उत्कर्ष जी. आप चौकों पे चौके लेग भाई के खा रहा है. इसकी लाइन उस पर भी खराब ही पड़ा पूरी सीरीज. ये चुमिया जो है ना घर में जाके दे भाई, तू इधर परफॉर्म कर, मेहरबानी कर. मुसलसल मुसलसल लात पे बोले हैं यार. व्हाट इज वो अच्छा प्रेशर जो बना हुआ है सारा. वो पहले कौन से कोई 500 स्कोर बोर्ड पे. तो उत्कर्ष जी हाँ मुझे पसंद है स्टीव स्मिथ टेस्ट में. और अच्छा शानदार किस्म का मेरी नज़र में वो टेस्ट का सबसे शानदार बैट्समैन है अभी आजकल के जो खेल रहे हैं उसमें. और ठीक है अगर आपने सिर्फ ये एक ही पैमाना रखा हुआ है कि विराट कोहली का 100 विनिंग कॉज में एक आया तो दूसरों के 2-3 आए हैं. तो वो 2-3 जो हैं जिनके आए हैं वो इससे ऊपर हैं सिर्फ इस एक पैमाने की वजह से कि. तो फिर ये आपकी मर्जी है. बाकी विराट कोहली तो शानदार हैं, पसंद है मुझे. तो देखें भाई फिर आप भी मैच हम भी देखते हैं. तो फिर काफ़ी आउट आउट का सिलसिला चल रहा है जी. ये जानबूझ के भी छेड़ा छड़ी करते हैं बीच में. दरअसल देखो रिजवान बात वही है, जानबूझ के करते हैं या नहीं करते. आप विकेट लेंगे प्रेशर पड़ेगा. आप यही इंटेंट के साथ आज आए थे कि आपने 450 करना है, एक बारी करनी है. एनीवेज यू लॉस्ट इन द मिडल, यू कैन रीगेन. दो गेंदों पे दो. वाह दो गेंदों पे दो दो. सिराज बोल कर दिया. सिराज दूसरी गेंद. सिराज दूसरी गेंद भी आउट कर दिया. हमीद बड़ी स्कोर बड़ी फॉर्म. ये सिराज आपके लिए जी, जो सिराज को ऑस्ट्रेलिया से बिठा रहे थे. ये सिराज कभी कभी मान भी लिया करें. सही बात है. तो भाई जान अब इंडिया ऊपर हो गया कि नहीं हुआ? बेलकर जी ऊपर हो गया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टू डिलीवरी. 350 बहुत मैसिव स्कोर है. हमीद भी आउट हो गया जी, इसको लेके आए थे. और अब देखते हैं कि बाकी क्या सिलसिला चल रहा है. हैट्रिक पे मौजूद है. मैं इधर से लगाता हूँ भाई. एक्चुअली मैं हम उस मोबाइल पे जिस पे हम यूजली वी वॉच इट, वो मैंने यहाँ पे लगाया. चार्जिंग का मसला चल रहा था लेकिन मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि ये भाई क्या सिलसिला चल रहा है. ये जो सिराज ऑन फायर चल रहा है, सिराज ऑन फायर. दो पे दो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की बॉलिंग करवाई थी, इसका बाहर बैठना बनता नहीं है. बार बार इस पे बात जुलम जुलम. पास रिकॉर्ड्स, पास रिकॉर्ड. तुमको क्या पता पास रिकॉर्ड्स, लिव इन पास. ओ भाईजन आए वो देखें, वो देखें कितने मजे से ड्राइवे खा रहा है आपका ये शाहिनशाह अफरीदी. ये तो हैवी आउट फील्डर रिजवान, ये तो ये चौके हैं. सारा इनिशिएटिव निकल जाएगा ये अगर इसी तरह खिलाता रहा तो. चले जी मेरा ख्याल है मैच देखते हैं, मजा आ रहा है. क्लीन बोल्ड कहने जी हो गया. और यहाँ पे नहीं हैट्रिक वाली गेंद तो देखते जाए ना क्या करवाते हैं. हाँ कराएं कराएं कराएं. अच्छी सेलिब्रेशन किया भाई बोल्ड करने के बाद. सराज ओ कोहली की खुशी देखे आप. वाह पुजारा रोहित सारे ईशान कह रहे क्या बात है मियां जी. अब ये विकेट आप ले लें भाई जन, मैच खत्म है. कह रहे हैं मियां सिराज क्या बॉलिंग डाली है भाई. और